हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पार्थ व्यास। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आपका स्वागत है। और आज इस चैनल पे हम सीखने वाले हैं जेवलिन थ्रो का सेक्टर, जो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबको ऐसा लगता है कि ये सेक्टर इतने बड़े ग्राउंड में ड्रॉ करना है, ये बहुत डिफिकल्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सेक्टर ड्रॉ करने की प्रॉपर मेथड जो पता है, तो आप ये सेक्टर कहीं पर भी इजिली ड्रॉ कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये सेक्टर कैसे बना सके। सेक्टर बनाने के लिए हमको देखना है, ये सेक्टर जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रनिंग एरिया और एक थ्रोइंग एरिया। तो हम पहले रनिंग एरिया देखते हैं। रनिंग एरिया है वो 30 से 36.5 मीटर तक का होता है। तो उसके लिए हमको एक बेसिक लाइन खींचनी पड़ेगी पहले, तो हम बेसिक लाइन खींच देते हैं। उसके बाद इसके पैरेलल 4 मीटर ऊपर दूसरी एक लाइन खींचनी है। ये दो लाइन बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। यहाँ पे पॉइंट 2 मिल गए हमको, पॉइंट इसको ए नाम देते हैं, इसको पॉइंट बी नाम देते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमको लेना है ये दोनों का बीच का सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट कैसे लेंगे, तो हमको पॉइंट ए को सेंटर लेके 8 मीटर का डिस्टेंस लेके इन साइड पे आग लगाना है अंदर की बाजू। और सेम वैसे ही पॉइंट बी को सेंटर लेके 8 मीटर का डिस्टेंस लेके अंदर आग लगाना है। यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा इसको हम सी पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद क्या करना है, सी पॉइंट को सेंटर रख के सेम 8 मीटर का डिस्टेंस रख के हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आर्क लगानी है। ये आर्क लगा दिया हमने। उसके बाद सेम यहाँ पे 0.75 मीटर के इंडिकेटर लाइन ड्रॉ करनी है, 0.75 मीटर की इंडिकेटर लाइन दोनों तरफ ड्रॉ करनी है। और अब देखेंगे हम कि यहाँ से जो पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। यहाँ से जो यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये सभी डिस्टेंस 8 मीटर है। उसके बाद हमको ड्रॉ करना है थ्रोइंग एरिया। ये थ्रोइंग एरिया ड्रॉ करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, सी से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको लेना है और यहाँ से ड्रॉ करते हुए पूरा जो लाइन है उसको ड्रॉ करना है। सेम ऐसे ही अपर का जो पोर्शन है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करना है। ये हमने ऐसे थ्रोइंग एरिया बना दिया। अब क्या करना है, थ्रोइंग एरिया में हमको डिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो हमको सी पॉइंट सेंटर लेके ए को बेस लाइन मानते हुए यहाँ पे हमारा 20 मीटर है पहला, फिर 30 मीटर है, फिर 40 मीटर डिस्टेंस है। ऐसे आगे हम 100 मीटर तक डिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि जेवलिन थ्रो का जो प्लेयर है नियरली 100 मीटर तक का थ्रो वो करता है। तो अब क्या करना है, अब सी पॉइंट को सेंटर लेके 20 मीटर का जो डिस्टेंस है वो लेके यहाँ से पूरा आर्क लगाना है। ये 20 मीटर का पूरा आर्क हुआ। फिर उसके बाद सेम ऐसे ही 30 मीटर का आर्क लगाना है और 40 मीटर ना, ऐसे ही आगे हमको आर्क लगाते रहना है। और ये थ्रोइंग एरिया है उसका जो एंगल है वो 28.94 का एंगल है। ये एंगल प्रॉपर बन रहा है तो आपका थ्रोइंग एरिया की जो साइज है, जो एंगल है वो बराबर है। अगर आपका ये एंगल पूरा नहीं हो रहा है तो मतलब आपका थ्रोइंग एरिया आपने गलत बना दिया, छोटा बना दिया या बड़ा हो जाएगा आपका। ये हमारा थ्रोइंग सेक्टर है पूरा। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही ये जेवलिन थ्रो का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें प्लेयर 30 से 36.5 मीटर का जो रनवे है उसमें से रनिंग करके आएगा, यहाँ पे इंडिकेटर लाइन को देखेगा और यहाँ से थ्रो करेगा, तो यहाँ पे जो जेवलिन है वो यहाँ पे लैंड होगी, यहाँ पे उसका थ्रो खत्म होगा, यहाँ पे भी जहाँ पड़ेगा उसका डिस्टेंस यहाँ से जो एंड लाइन है वहां से हमको मेजर करना पड़ता है। पूरे एथलेटिक के ट्रैक एंड फील्ड और मेजरमेंट में ये जेवलिन थ्रो का जो एक ही ऐसा ग्राउंड है जिसमें ये इंडिकेटर लाइन और ये एंड लाइन जो है वो 7 सेंटीमीटर की बनती है। बाकी एथलेटिक्स में सभी लाइनें वो 5 सेंटीमीटर की होती है। ये लाइन भी पूरी हमको 5 सेंटीमीटर में मिलती है। कोई भी ये लाइन ड्रॉ करती है तो ये भी हमको 5 सेंटीमीटर मिलती है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म हो रहा है। अगर आपको ये ग्राउंड ड्रॉ करने में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप ये वीडियो के कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी नई वीडियो चाहिए कोई ट्रैक एंड फील्ड या कोई ग्राउंड बनाने के लिए, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।